हम यहाँ पे अकेले हैं शायद। हमें बस यहाँ से 50 मीटर का अंदर का ही दिख रहा है, बाकी का कुछ नहीं दिख रहा है। Are you safe? आज का क्रेडिट खाली बिल्कुल को जाता है क्योंकि गुड मॉर्निंग। अभी बजे है 5:30। मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ मेरे फ्रेंड के घर पे पहुँचने के लिए। टाइम से हम उठ गए लेकिन क्या है ना, आदत से मजबूर हमें लेट लविज बना ही देता है। सॉरी फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, लेकिन अभी पास में ही है, हम पहुँच जाएंगे। हम जा रहे हैं आज टकमक फोर्ट, जो कि विरार महाराष्ट्र में है। वापिस से टकमक फोर्ट ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर और 1.5 घंटे का रास्ता है। और मेरे इस ट्रिप के सारे फ्रेंड्स से मैं आपको बाद में मिलाता हूँ। पहले हमें पहुँचना है सकवारा विलेज, जो कि टकमक फोर्ट का बेस विलेज है, जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। सकवारा विलेज पहुँच के हमने सबसे पहले लोकल से हेल्प ली, उसके बाद हमने ट्रैकिंग स्टार्ट किया लगभग 8 बजे। संदीप एंड कृणाल। एंड चलो मैं अपने सारे फ्रेंड्स से अभी मिलाता हूँ, वो भी सिनेमेटिक स्टाइल में। मेरे साथ है आज प्रणव, जो कि मेरा 11th-12th का ओल्ड क्लासमेट था। एंड तुम अगर मेरे रेगुलर वीडियो देखोगे या फिर देखते होगे तो तुम्हें पता चलेगा मेरी और प्रणव की मुलाकात होती रहती है। रिकुल मेरा ऑल्सो 11th-12th का क्लासमेट था, बट 7 साल बाद हम पहली बार मिल रहे हैं। तो नाइस टू मीट यू रिकुल। और कृणाल, कृणाल रिकुल का कजिन है और मेरा नया दोस्त। संदीप रॉय, संदीप रॉय रिकुल का फ्रेंड है और मेरा नया दोस्त। तो इस ट्रिप पे कृणाल और संदीप मेरे नया दोस्त बने। तो नाइस टू मीट यू बोथ ऑफ यू ब्रो। आधा घंटा हुआ अभी एंड अभी यस एक छोटा सा वाटरफॉल पे है। भले हम इतने जल्दी थक गए, बट भाई साहब क्या नज़ारे हैं यार। अभी हम आधे तक चढ़ गए और अभी बैटरी डाउन हमारी। रिकॉल और उसके फ्रेंड तो आराम से ऊपर चढ़ रहे हैं, मैं और प्रणव बैठे हैं अभी 10 मीटर रेस्ट। काफ़ी लंबा ट्रैक है भाई, ऊपर से हमारी गलती है कि हम ट्रैक पैंट पहन के नहीं आए, ऊपर थके भी नहीं आए तो ज़्यादा थकान लग रही है। अभी प्लान ये बनाया कि नीचे जाके वो तालाब में या फिर नदी में नहाएंगे। अभी फ़िलहाल ऊपर चढ़ना है, अभी आधा तकरीबन बाकी है। मेरे ख्याल से 1 घंटे के अंदर ऊपर हमें पहुंच जाना चाहिए। आशा तो है, अभी देखते हैं क्या होता है। अभी लगभग आधे घंटे का रेस्ट लिया था, मैं थक चुका था। अपुन के गेम में सारा का सारा थकेला मैं ही इंसान हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और अभी बारिश हो रही है, अभी यहाँ से इतना ही था और मैं यहाँ पे टाइम पास कर रहे थे। बारिश आई लेकिन मजा आया। 10:30 हो गई है, मतलब 10:30 बजे। अरे ऊपर जाके बाकी रखना है ना अभी। प्रणव सबके चिल्ला रहा है, प्रणव यहाँ पे सबके चिल्ला रहा है कि भाई ऊपर चलो, अभी आधा ही हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। टकमक फोर्ट की एक पुरानी स्टोरी है जो कुछ इस तरीके से है। राजा भीमदेव ने इसको 12th century में ट्रेडिंग के रास्तों को देखने के लिए बनवाया था। उसके बाद शिवाजी महाराज ने इस जगह को कसोज और असरी के साथ जीत लिया। देन
पोर्टुगीज इंडिया में मुंबई के रास्ते से आ सके, तो उन्होंने रास्तों को निगरानी रखने के लिए वॉच टावर की तरह यूज़ किया। उसके बाद 18 सेंचुरी में ब्रिटिश सरकार आई, ब्रिटिश सरकार इसको प्रिजन की तरह यूज़ कर रही थी। देन 21 सेंचुरी में इस हिस्टोरिकल जगह को एक्सप्लोर कर रही। डॉगी भी आ रहा है यार, ले तू पहला जा, इतना तो बेटर है। हां चले, कहीं भी कर, डरा रहा है क्या तू? इंडिया में नए दोस्त का नाम सेरू रखा, जो पूरे रास्ते हमें हेल्प करता रहा। हर जगह पे ऐसे साइन है तो ऊपर जाने का खतरा नहीं है, आराम से पहुंच जाएंगे। अभी सीन कुछ ऐसे हैं कि सब मूड में आ चुके हैं, सब फोटो पे फोटो, तो धीरे धीरे जा रहे हैं। वैसे तो सब थक चुके थे, बट ये थकान में भी ना एक वाइब है। फाइनली ऊपर पहुंच गए, थोड़ा टाइम रेस्ट करूंगा, उसके बाद नज़ारा देखेंगे। यहाँ तक आने में ना बहुत मेहनत लगी है, लेकिन वर्थ है। अचानक से धीरे धीरे वेदर बिगड़ने लगा, सो हम धीरे धीरे अभी नीचे उतरेंगे। अभी सेरू भी अपने साथ नीचे आएगा। एंड अभी मौसम हो चुका है ख़राब, एंड 2 बजे हैं, अभी जाने का टाइम है। एंड आज का क्रेडिट खाली बिल्कुल को जाता है, क्योंकि उसके वजह से ही ड्रोन शॉट पॉसिबल हुआ है। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, वो बाद की बात है, लेकिन जो भी हुआ है रिकुल की वजह से हुआ है। तो थैंक्स टू रिकुल। ऐसे उतरते टाइम ना काफ़ी आराम से उतरना पड़ता है, क्योंकि वेदर भी ख़राब है एंड यहाँ पे रोड भी नहीं है। हमें बस यहाँ से 50 मीटर का अंदर का ही दिख रहा है, बाकी का कुछ नहीं दिख रहा है। हम कहाँ पे कितनी हाइट पे है कुछ भी नहीं दिख रहा है। हम यहाँ पे अकेले हैं शायद, उतरने का अपने को रिस्क नहीं चाहिए। ये मैं अभी फ़िलहाल फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ बारिश थोड़ी सी हो रही है, तो मैं कैमरे के साथ रिस्क नहीं ले सकता। मेन बात कि हम पहले अर्शित घर जाने वाले थे, असेरी घर जाने वाले थे, बट यहाँ पे बंद था, असेरी घर पे हम नहीं जा पाए। एंड फाइनली मैंने उसके बाद डिसाइड किया कि टकमक ट्रैक पे चलते हैं, क्योंकि पास में ही है वहाँ पे, लगभग 40 किलोमीटर, तो हम यहाँ पे आए। एंड रिकुल का वो ड्रोन शॉट यहाँ से लिया था। कहाँ जाना है वह? अभी वेदर थोड़ा ठीक हुआ है, मतलब कम्प्लीटली ठीक हुआ है। क्या सीन है भाई।
अभी जस्ट हम वाटर क्रॉसिंग पे पहुंचे। यहाँ पे हमने थोड़ा ही टाइम स्पेंड किया बिकॉज हमें आगे रिवर पे भी जाना था। अभी जस्ट हमने वाटरफॉल क्रॉस किया जो पहले हमने पास किया था। इतना टाइम हमने चढ़ने में लगाया था उससे कम हमने उतरने में लगाया, जो कि अच्छी बात है हमारे लिए। फ्रेश होकर अभी निकले हैं, अभी सीधा गाड़ी के पास पहुंच ही गए ऑलमोस्ट। काफ़ी मज़ा आया, फ्रेश फ्रेश सी फीलिंग हो रही है। अभी हमारा ट्रैक कंप्लीट, सब लोग गाड़ी में सेफली आ चुके हैं। हमारा यह नया दोस्त सेरू हमें बीच रास्ते ट्रैकिंग करते मिला, उसके बाद हम पूरे रास्ते साथ से ऊपर से लेकर नीचे तक हमें रखने भी आया। सो थैंक यू सेरू, वी मिस यू। बाय बाय। चुके हैं गाड़ी में, व्लॉग हमारा खत्म अजमाना ट्रैकिंग हमारा खत्म हो चुका है। यस।